नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम क्या दाऊद जिंदा है। और दाऊद को लेकर जो अटकलें हैं, छोटा शकील के बारे में जो अफवाह उड़ रही है, सच्चाई है वो तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दाऊद जिंदा है। और इस पूरे विषय पर हमें खास जानकारी देंगे जो क्राइम फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनका नाम है विवेक अग्रवाल, जिनको हम पहले भी बता चुके हैं, आपको मिला चुके हैं कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा है और क्राइम की जो दुनिया है उसके एक्सपर्ट हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 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 हमें जो खबर मिली थी कि छोटा शकील मर गया, या फिर बीच में ऐसी भी खबर आई थी कि छोटा शकील ने लीड करना शुरू कर दिया डी ग्रुप में, आपके पास किस तरह की जानकारी आई है? देखिए, बहुत ही अलग अलग तरह की खबरें पिछले दिनों अखबारों में शाया हो रही हैं, और उन अखबारों में जो खबरें छपती हैं उनके ज़रिए जो टेलीविज़न मीडियम है या पोर्टल्स हैं उनमें भी वो खबरें जाना शुरू हो जाती हैं जी। समस्या इस बात की नहीं है कि छोटा शकील जो है वो दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया कि नहीं, समस्या ये नहीं है कि छोटा शकील की मौत हो गई कि नहीं, ये भी कोई माना खेच बात नहीं है कि दाऊद इब्राहिम की मौत हुई है कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो खबरें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, इनकी विश्वसनीयता कितनी है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के बीच में दरार पड़ गई है और वो दोनों अलग अलग हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में जानने की कोशिश की, और मैंने उन लोगों से यही कहा कि यदि ऐसा होता तो दो हालात बनते, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का उसूल है कि जब कभी आपको अपने मुखिया से अलग होना है या उसके गिरोह पर कब्जा करना है तो आपको मुखिया को मारना होता है। बिना सल्तनत हथियाने के लिए, बिना सुल्तान को मारे हुए आप उस पर काबिज नहीं हो सकते। तो चूंकि दाऊद नहीं मरा तो ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा नियम ये बोलता है कि यदि कोई बगावत कर जाए तो उसको खत्म कर दिया जाता है। ऐसा भी नहीं हुआ कि छोटा शकील मर गया। तो इन हालात में दरार पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। और छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम का जो साथ है और उन लोगों के बीच की जो इक्वेशंस हैं, उनके बीच की जो केमिस्ट्री है, और पिछले तकरीबन 3 दशकों से वे लोग जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं, ये बात तय है कि उनके बीच में दरार पड़ने का कोई मौका ही नहीं पड़ेगा या कोई ऐसी हालात नहीं होंगी, और ऐसा हुआ भी नहीं है। सच्चाई तो यही है। अब बात आती है कि क्या वाकई छोटा शकील की मौत हो गई। तो जब ये सवाल कुछ अखबारों से या कुछ चैनलों से पत्रकारों ने, और जो मुझे जानने वाले लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी मुझे संदेश दिया या फोन किया, तो मैंने उनसे बहुत एक सामान्य सी बात कही कि यदि इनमें से किसी व्यक्ति की एक की भी मौत हो गई है और आपको ये पता करना है कि वाकई ये खबर सच्ची है कि झूठी है, तो आप अपने किसी मित्र को जो कि डोंगरी इलाके में, नागपाड़ा क्षेत्र में या उस इलाके में रहता है जहां पर दाऊद इब्राहिम गिरोह का यानी डी कंपनी का पूरा सेटअप है, वहां पर जिनका कब्जा है, वहां पर किसी को भी एक को फोन कर लीजिए और पता कीजिए कि क्या वहां की दुकानें बंद हो गई, क्या वहां सियापा छाया हुआ है, क्या वहां मातम हो रहा है। अगर नहीं तो इसका मतलब है इनमें से किसी की भी मौत नहीं हुई है। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आती है ना सब बातें। देखिए, परेशानी यही है कि आप पत्रकारिता किस स्तर पे और कहां तक आगे बढ़ करके कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि खबर आपने छाप दी और आपने अगले दिन वो जो खबर है गलत निकली, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई, वहां तक तो ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी पत्रकारिता जगत की गुणवत्ता और विश्वसनीयता आपने दांव पर लगा दी, और ये जानबूझ करके एक डेलिबरेट एक्शन किया जा रहा है ताकि जो प्रसार माध्यम है उनकी विश्वसनीयता धीरे 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 इस राष्ट्र में समाप्त कर दी जाए। दाऊद इब्राहिम को और डी कंपनी को तो कुछ अखबारों और चैनलों ने बिकाऊ कमोडिटी बना दिया है, और उसका नतीजा ये निकला है कि सिर्फ एक दिन या एक घंटे या एक मिनट के लिए अपनी टीआरपी बढ़ाने या एक दिन का सर्कुलेशन हासिल करने के लिए इस तरह की झूठी खबरें जो हैं वो प्लांटेड खबरें वो छाप दी जाती हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो जानते हैं कि खबर की सच्चाई कैसे छान करके निकाली जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए,
वो भी इस बारे में आजकल काम नहीं करते या बात नहीं कर रहे हैं। संपादक जो बैठे हुए हैं वो भी इस दिशा में गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं कि ये खबर सच है या झूठ है, उसकी जांच की जाए। उसके कारण उसका नतीजा ये है कि इस तरह की झूठी खबरें प्लांट हो रही हैं टीआरपी के लिए, सिर्फ टीआरपी और सर्कुलेशन के लिए। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई छोटा शकील की मौत हो गई है? तो छोटा शकील नहीं मरा है, इसके बारे में डी कंपनी के अलग अलग सूत्रों और संपर्कों के जरिए, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के जो अधिकारी हैं उनके जरिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के अधिकारियों के जरिए ये बात अलग अलग तरीके से इस्टेब्लिश कई बार हो चुकी है कि उसकी मौत नहीं हुई है। लेकिन अगर हम महफिल की बात करें तो यहाँ पर महफिल जमती है मुंबई में, और क्राइम से जुड़े जो लोग हैं उनकी अपनी महफिल होती है। लेकिन जिस तरह से आपने एक उदाहरण दिया कि उस इलाके में अगर मातम नहीं है, सन्नाटा नहीं है, ये जो सोच आती है आपके अंदर, इसके पीछे कहाँ से आता है ये सब ख्याल आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आपने कहा कि संपादक भी कंफर्म नहीं करते हैं, तो आप अपने आप को किस तरह से मतलब डेवलप कर पाते हैं ऐसे में? देखिए, मुश्किल ये होती है कि दाऊद इब्राहिम या अंडरवर्ल्ड जो मुंबई का है उस पर जब खबर नवीसी करनी हो या सहाफत जो आपकी है उसके मामले में आपको बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत पड़ती है। ये बता दूं कि मुंबई का जो पहला गैंग वॉर शुरू हुआ था वो गैंग वॉर पठान गिरोह और कुंकड़ी मुस्लिम गिरोह यानी कि दाऊद गिरोह उनके बीच में सिर्फ जमीन जायदाद या हिस्से बंटवारे या इलाके के बंटवारे के लिए झगड़ा नहीं हुआ था। ये जो पहला गिरोह युद्ध हुआ था, जो पहली मारकाट मचनी शुरू हुई थी, वो एक पत्रकार की हत्या से शुरू हुई थी। इकबाल नातिक नाम का राजदार नाम के जो अखबार है उसके संपादक हुआ करते थे, और इकबाल नातिक जो है वो अंडरवर्ल्ड की खबरें बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके और बहुत ही अच्छे तरीके से छापते थे। काल्पनिक अंदाज में? जी नहीं, काल्पनिक नहीं, बाकायदा खबरों के तौर। अच्छा, लेकिन मसाला डाल के थोड़ा। हाँ, लेकिन उनके पास जो खबरें होती थी उन खबरों में अधिकतम खबरें जो होती थी वो पठान गिरोहों के खिलाफ लिखते थे और दाऊद गिरोह के फेवर में लिखते थे। ये बात पठान गिरोह के लोग मानते थे, खासतौर से अमीर ज़ादा और आलमजेब मानते थे, और ये दोनों जो हैं यही पठान कंपनी लीड करते थे। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के जहन में कि पठान कंपनी का जो लीडर है वो दरअसल करीम लाला था। ऐसा नहीं है, करीम लाला जो है वो लाला कंपनी का डॉन था। अच्छा। तो लाला कंपनी चलाया करता था, पठान कंपनी तो असल में जो है कहना चाहिए तो वो ये दोनों भाई चलाते थे, और उनका और करीम लाला का किसी तरह का कोई ताल्लुकात थे भी नहीं। हालांकि वो जानते एक दूसरे को थे, रिश्ते परिवार से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समद पठान जो है वो जरूर इनका भतीजा हुआ करता था करीम लाला का, और वो चूंकि बहुत ही एग्रेसिव था, बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का था, और अमीर और आलम के साथ में उसने काफी सारी चीजें उन लोगों के संग की हुई थी, तो उसके कारण उन लोगों के बीच में गठबंधन दिखाई देता था, लेकिन वो था नहीं एक तरह से। और करीम लाला जो है वो इस तरह के खुरेंजी से, मारकाट से और एग्रेशन से हमेशा बचता था। उसके पास बाहुबलियों की सेना थी, लेकिन वो कभी भी सुपारी हत्याएं नहीं करते थे, न ही कभी भी उन लोगों ने किसी गरीब गुरबे या किसी ऐसे व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को गोली मारकर या गला टेंटुआ दबा करके उनसे हफ्ता वसूली की थी। तो जब इन लोगों ने समझा कि इकबाल नातिक बहुत ज़्यादा इस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है और हमारे बरखिलाफ लगातार खबरें शाया कर रहा है, तो एक दिन उसे अगवा कर लिया, उसको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके उसको मारा, और जो माहिम कॉजवे है वहाँ सड़क पर उसकी लाश फेंक दी। इस चीज़ से नाराज होकर के दाऊद इब्राहिम और साबिर उस समय जिंदा था, इन लोगों ने पठान कंपनी के लोगों पर हमला करना शुरू किया, और यहाँ से इस मुंबई शहर का और इस देश का पहला गैंग वॉर शुरू हुआ। ये बहुत बड़ी जानकारी है लोगों के लिए, वाकई अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो अपडेट हो जाना चाहिए सबको, जो क्राइम की दुनिया का बादशाह होने की दावा करते हैं, बात करते हैं कि हम क्राइम की दुनिया में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच विवेक अग्रवाल बता रहे हैं ऐसे में आपको अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों राजनीति भी शुरू हो गई थी दाऊद को लेकर। राज ठाकरे का बयान आया था कि दाऊद आना चाहता है, आखिरी वक्त यहाँ गुजारना चाहता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 93 के बाद से ही ये राजनीति चल रही है। जो बमकांड हुए हैं उसके बाद से ही
बीच में दाऊद इब्राहिम ने अपने लोगों के जरिए राम जेठमलानी जो कि देश के मशहूर वकील हैं उनके पास संदेश भेजा कि वो हिंदुस्तान वापस लौटना चाहता है। राम जेठमलानी के जरिए उन्होंने मध्य महाराष्ट्र सरकार के पास में संदेश भी भिजवाया कि और उसने अपनी कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें चूंकि महाराष्ट्र सरकार को स्वीकार्य नहीं थी इसलिए दाऊद इब्राहिम का आना टल गया। ये बात सही है और इस बारे में स्वयं राम जेठमलानी ने बयान दिया है। बिल्कुल, तो तब से ही वो राजनीति चली आ रही है और बीच बीच में ये चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर चल रही थी। बीच में मैंने भी एक खबर एक अखबार के लिए की थी, राष्ट्रीय स्तर का एक अखबार है, उसमें मैंने बताया था कि दाऊद इब्राहिम को 2014 के चुनावों के पहले कांग्रेस एमनेस्टी इंटरनेशनल के बाजरिए किसी और राष्ट्र से होते हुए भारत लाने की योजना बना रहे हैं और कांग्रेस जो है इस योजना में पूरे सुशील कुमार शिंदे को सामने रखेगी क्योंकि वो गृह मंत्री थे और उन्हें इस देश का नया शलाका पुरुष या नया लौह पुरुष के रूप में स्थापित किया जाएगा और उन्हें फिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार या चेहरा दिखा करके उनके नाम से ये चुनाव लड़ा जाएगा। योजना ये थी कि उसको ऐसे देश के जरिए हिंदुस्तान लाए जिसके साथ में जिनेवा ट्रीटी हो और वहां से उसको फांसी की सजा देने का प्रावधान उसके तहत खत्म हो जाए, क्योंकि ये नियम है कि जिस देश में फांसी की सजा नहीं है वहां से अगर किसी अपराधी को प्रत्यर्पित करते हैं तो आप अपने देश में फांसी की सजा नहीं दे सकते, फिर चाहे उसका क्राइम कितना ही हीनियस या खतरनाक क्यों ना हो। तो ऐसी हालत बने, वो राजनीति तब से लेकर के आज तक चली आ रही है और ये दाऊद के नाम पे राजनीति इसलिए होती है क्योंकि वो बिकाऊ कमोडिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चलता रहेगा। दाऊद इब्राहिम जब तक पृथ्वी पर है तब तक दाऊद इब्राहिम के नाम पर इस तरह की राजनीति होती रहनी है, क्योंकि हिंदुस्तान में राजनीति जो है हमारे वो जिम्मेदार नहीं है, वो किसी हमारे देश की जनता या संविधान या राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोग नहीं है। यहाँ तो वोट की राजनीति होती है ना, और इसीलिए बीच में राज ठाकरे का बयान आया, मोदी सरकार से लोगों ने उम्मीद की कि मोदी साहब लेकर आएंगे और देश के लोगों को अपना बना लेंगे। तो वाकई आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव भी पड़ता है अंडरवर्ल्ड पे? नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीति और अंडरवर्ल्ड एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिजनेस जिस तरीके से होता है, कारोबार जो होता है, वो असल में उनके बीच का चिपका हुआ हिस्सा है। इन तीनों के बिना कोई भी एक्टिविटी नहीं चलती है और ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर के चलते हैं। तो कॉरपोरेट हाउसेस, राजनीति और अंडरवर्ल्ड, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और इनके कॉकस से ही, इनके गंदे गठबंधन के कारण ही बहुत सारी समस्याएं जो हैं न केवल देश में बल्कि विश्व में पैदा हो रही हैं। तो ये गठबंधन गंदा है और चूंकि मामला दाऊद से जुड़ा है, ये सवाल बरकरार है कि वाकई दाऊद जिंदा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि अंडरवर्ल्ड में दाऊद के नाम पर और क्या क्या होता है। देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम। आप देख रहे हैं दाऊद जिंदा है और हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए मौजूद हैं विवेक अग्रवाल, जिन्होंने क्राइम की दुनिया में अलग मुकाम बनाया है। मुंबई जैसी किताब से उन्होंने एक अलग नज़रिया पेश किया है दुनिया के सामने और आज हम बात कर रहे हैं कि वाकई दाऊद जिंदा है या मर गया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है विवेक जी। ये जो सवाल मन में आता है बार बार कि वाकई जिंदा है या मर गया, इसको लेकर और भी तो ज़्यादा आपसे सवाल किए जाते होंगे। आपके सर्कल में तो बहुत लोग परेशान करते हैं आपको कि भैया क्या हुआ क्या हुआ। देखिए, दाऊद इब्राहिम के बारे में पिछले कुछ तकरीबन 2 या 3 सालों से कुछ ज़्यादा ही इस तरह की खबरें जो हैं आनी शुरू हुई हैं। तकरीबन हर 4वें, 6वें, 5वें महीने में एक खबर आ जाती है कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत बड़ी नासाज है। दाऊद इब्राहिम के बाएं पांव में गैंग्रीन हो जाता है एक दिन, अगले दिन वो पांव जो है वो काट दिया जाता है, तीसरे दिन जो है वो दाऊद की मौत हो जाती है। 3-4 महीने, 5 महीने तक इस चीज़ को लेकर के जुगालियाँ होती हैं, खूब हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि थोड़ी शांति आ गई, कोई और मुद्दा आ जाता है। फिर अचानक एक दिन से आता है कि दाऊद इब्राहिम जो है उसका लीवर खराब हो गया है, दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है, दाऊद इब्राहिम के साथ ये हो गया है। सवाल ये है कि हमारे चैनल या अखबार इन खबरों की पुष्टि क्यों नहीं करते? ठीक है, नहीं करते हैं। अब इन चीज़ों के कारण दाऊद इब्राहिम के बारे में बार बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं।
पिछले दिनों एक सज्जन ने सोशल मीडिया पर मुझसे ये बड़े दावे से कहा कि दरअसल दाऊद इब्राहिम मर चुका है, और दाऊद इब्राहिम का सिर्फ नाम और खौफ डी कंपनी जिंदा रखे हुए है, और उस चीज के तले, उसके नाम के जेर साया डी कंपनी आज भी अपना कामकाज चला रही है। उनका जो शक है वो जायज है, उनका ऐसा सोचना, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती हैं समाज में, देश में, विश्व में। लेकिन इस मामले में, जैसे कि मैंने पहले थोड़ी देर बताया था कि अगर आप डोंगरी और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पे जाएंगे और पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर किसी भी किस्म की मायूसी नहीं है, या वहां किसी भी किस्म का कोई भी संकट नहीं है, या वो लोग बिल्कुल आराम से मजे से जी रहे हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की मौत नहीं हुई है, दाऊद इब्राहिम को उस पूरे इलाके में कौम का रखवाला के रूप में, अपने भाई और अपने सरपरस्त के रूप में देखा जाता है। देश उसे अपराधी मानता है, विश्व उसे अलग नज़र से देखता है, या अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है उसने उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का संज्ञा दे करके और उसके या उसके ऑर्गेनाइजेशन और उसके कामकाज पे बैन लगा दिया है। उसकी एसेट्स जो हैं उसको फ्रीज करने के ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं, लेकिन आज तक पूरे विश्व में कहीं भी दाऊद इब्राहिम की एक चवन्नी की भी एसेट फ्रीज नहीं हो पाई है। हिंदुस्तान में जितनी भी संपत्तियां उसकी फ्रीज हुई हैं या सील हुई हैं वो सारी की सारी, ये बात याद रखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज के कारण टाडा या मोका के तहत, या पोटा जैसे तीन सख्त कानून आए हैं उनके तहत, या फिर किसी और कानून के तहत, या आतंकवादी गतिविधियां करने के कारण किसी कानूनी तौर पे उसकी एक भी संपत्ति हिंदुस्तान आज तक इस देश में या पूरे विश्व में कहीं भी जब्त करने या राजसात करने करवाने में कामयाब नहीं हो पाया है। इससे बड़ी हमारे देश के लिए, हमारे कानून के रखवालों और हमारे नेतृत्व के लिए बुरी बात या नाकामी नहीं हो सकती। उतनी ही राहत है उसके लिए, राहत की बात तो है ही। और दूसरी चीज यह है कि जो उन सज्जन ने सवाल उठाया था कि वो उसका चेहरा बना करके, मुखौटा लगा करके, और ये गिरोह अभी भी काम कर रहा है, इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और हाँ, आपने थोड़ी देर पहले जो मुझसे एक सवाल किया था कि छोटा शकील जो है वो लीड करने लगा है डी कंपनी, तो ये जो लीड करना है, ये लीड करना अपने आप में बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है। अच्छा, पहले जरूर ये था कि मुस्तकिन जो दाऊद इब्राहिम का भाई था उसे गिरोह का सरगना बनाने की व्यवस्था या उसके बारे में विचार दाऊद इब्राहिम कर रहा था, जो कि मैंने अपनी पुस्तक मुंबई में भी लिखा था। लेकिन मुस्तकिन की अचानक बीमारी के कारण मौत हो जाती है, और उसके जो बाकी भाई हैं, चूंकि उन लोगों का बहुत ज्यादा अंडरवर्ल्ड से लेना देना नहीं है, नूरा की मौत हो चुकी है, अनीस की एक्टिविटीज जरूर अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो डी कंपनी लीड करने में कितना सक्षम है नहीं है ये सब जानते हैं। और जितने भी आपराधिक कार्य चल रहे हैं उनके सबके फैसले छोटा शकील ही लेता है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन छोटा शकील आज भी बिना दाऊद से राय विचार किए, बिना पूछे या बिना सहमति के कोई भी काम नहीं करता है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। यानी दोनों जिंदा है और अच्छा से काम का चल रहा है। बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ा नियम है इस पूरे वर्ल्ड में, ये एक फिनोमेना है, ये एक जाहिर सच्चा तथ्य है कि अंडरवर्ल्ड जो है वो जिस राष्ट्र में या विश्व भर में अगर शांति है तो बहुत ज्यादा फ्लरिश होता है या बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि तब इंटेलिजेंस की जो गतिविधियां हैं वो कम होती हैं, पुलिस की जो सरगर्मी है वो कम होती है, और हर तरह से आदमी जो है वो शांत भाव से रहता है, बिजनेस बढ़ रहा होता है, आदमी जो है मौज मजे और मस्तियों के दौर में रहता है। ऐसे वक्त में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों की धमकियां झेले या कोई परेशानी उस पर आयत हो। तो अगर अंडरवर्ल्ड के लोग किसी से कोई चार पैसे की डिमांड करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो बोलते हैं कि इनका मुंह बंद करो, हम अपना कामकाज करेंगे।
तो वो ये मान करके चलते हैं कि थोड़ा पैसा, जैसे जब गगरी भर करके कोई जाता है तो उसमें थोड़ा पानी छलक जाता है इधर उधर और जाया हो जाता है, खराब हो जाता है, वैसे ही थोड़ा पैसा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या कॉरपोरेट हाउसेस के लिए दाएं बाएं हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बहुत सारा पैसा कमा ही रहे हैं। तो इसके कारण वो लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, दाऊद का जिस तरह से इंतजार किया जा रहा है, लोग चाहते हैं कि एक बार उसको देख लें वाकई कानून उसको किस तरह से सजा देती है, आपको लगता है कि वाकई दाऊद को हम ला पाएंगे यहाँ पर? देखिए, दाऊद के जीवित रहते हुए उसका हिंदुस्तान आना और उसे हिंदुस्तान लाने का दम भरने वालों के लिए वो कर पाना दोनों ही असंभव है। असंभव है, क्योंकि वो यानी जो डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वो नामुमकिन होने के पीछे कुछ वजाहत है। दाऊद इब्राहिम खुद आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो ISI और पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी PMI की सख्त निगरानी में रह रहा है। ये भी तो सवाल है ना कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारे पास नहीं है दाऊद, अगर दाऊद आता है पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान के माध्यम से, तो बदनामी हो जाएगी उसकी, तो वो चाहेगा ही नहीं निश्चित तौर पे। और दाऊद जब वहाँ से यहाँ आएगा तो अपने साथ में बहुत सारी सूचनाओं और जानकारियों का खजाना लेकर आएगा। वो ये सारी दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं, वो बताएगा कि ISI की सरपरस्ती में उसने क्या क्या काम किए हिंदुस्तान के बरखिलाफ। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां होंगी जो कि सारी दुनिया में जाएंगी और पाकिस्तान अंततः एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विश्व बिरादरी है उनके बीच में आतंकी राष्ट्र के रूप में चिन्हित हो जाएगा। तो ये चीज़ तो वो राष्ट्र और उसकी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक खुफिया एजेंसी ISI है वो करने देना चाहेगी ही नहीं। इसलिए दाऊद इब्राहिम का जिंदा पाकिस्तान से बाहर निकल पाना वैसे ही असंभव है। तो हिंदुस्तान लाने का ख्वाब देखना भी मूर्खतापूर्ण बात है, यानी कुछ फायदा नहीं है ख्वाब देखकर, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो ये एक सत्य है, इस तथ्य में तथ्य और सत्य दोनों नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो करना चाहते हैं उसके पीछे बहुत ही, मेरे हिसाब से या मैं बहुत ही स्ट्रांगली ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनमें ये करवाने करने के लिए मूल रूप से विल ही नहीं है, विल पावर जिसे कहते हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति कहते हैं, वो ही नहीं है। अगर दाऊद मर जाता है, खुदा न खास्ता जो भी खबर आ रही है, अगर ये खबर सच हो जाती है कि दाऊद वाकई मर चुका है, तब डी कंपनी का क्या अस्तित्व होगा, क्या भविष्य होगा? देखिए, दाऊद गिरोह उसके बावजूद चलता रहेगा, क्योंकि दाऊद गिरोह में तकरीबन जहाँ तक हमारी जानकारी है 5 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं और पूरे देश और पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। उनका फुटप्रिंट जो है वो करीब करीब 40-42 देशों में है, जिसमें अमेरिका आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, नेपाल तो है ही सही, उनका एक तरह से दूसरा घर है भारत के बाद में, दुबई उनका तीसरा घर है एक तरह से भारत के बाद में, खाड़ी देश जिन्हें कहा जाता है गल्फ कंट्रीज, वो सारे के सारे देश उनके लिए बेस्टियन हैं, उनके वो खेलकूद करने वाली जगह हैं एक तरह से कहना चाहिए। और विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर उनके काम काज चल रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ उनका बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट है। जैसे आपको बताऊं कि चाइना में उनका बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट है, वहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने लिए चीज़ें खड़ी कर ली हैं। तो उनका इतना बड़ा विस्तार हो चुका है कि उसकी वजह से दाऊद इब्राहिम का गिरोह या दाऊद इब्राहिम के जो लीगल बिजनेस हैं और इलीगल हैं वो सारे के सारे चलते रहेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि दाऊद इब्राहिम नहीं है तो दाऊद इब्राहिम का परिवार अपनी जगह रहेगा, लेकिन छोटा शकील जो है दाऊद इब्राहिम का ये जो गिरोह है जैसे डी कंपनी कहा जाता है उसे पूरी तरीके से अपने दम पर चलाते रहेगा आगे। बाद में उसका ये हो सकता है कि डी कंपनी का नाम बदल करके CS कंपनी हो जाए, यानी छोटा शकील कंपनी। आज भी जो लोग हैं अंडरवर्ल्ड के जानकार लोग वो ये बात कहते ही हैं कि जैसे दाऊद इब्राहिम गिरोह में डी कंपनी के अंदर ही नाना कंपनी होती थी जो कि छोटा राजन की थी, वैसे ही CS कंपनी होती थी जो कि छोटा राजन। अलग अलग गुट भी तो रहता ही है उसके अंदर। देखिए, उसको गुट नहीं बोला जाएगा, उसे सब गैंग बोलते हैं, सब गैंग उप गिरोह कहा जाता है। और डी कंपनी में ऐसे उपगिरोहों की संख्या तकरीबन 2 दर्जन है, जिसमें डोसा कंपनी भी है जो मुस्तफ़ा डोसा, मोहम्मद डोसा, वो दोनों भाई, वो लोग भी जो इनका है पूरा नार्को ट्रेड अलग से संभालते थे।
अब जैसे इनका पूरा का पूरा कारोबार नकली करेंसी का है, वो संभालने वाले लोग जो हैं वो अलग हैं, उनका जो सिपा सालार है वो विक्रम परमार उर्फ छप्पन टिकली, वो बांग्लादेश से पूरा काम ऑपरेट कर रहा है। हमारे देश में डी कंपनी के ही जो बनाया हुआ जाल है उसका इस्तेमाल करके आईएसआई पहले 500 और 1000 रुपये की नकली करेंसी भेजती थी, आजकल जो है वही 2000 रुपये और नए जो 500 की करेंसी आई है महज 2 महीने में उन लोगों ने वो भारत में पहुंचा दी। अच्छा विवेक जी, एक सवाल दिमाग में आता है, पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जो लंबे समय से कानून के दायरे में थी, कानून के ऊपर कानून उस पर काम भी कर रहा था, लेकिन कई ऐसे घोटाले हैं जो 7 साल बाद 10 साल बाद बिल्कुल उसके जो आरोपी है बरी हो जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई कभी ऐसा भी हो सकता है कि डी कंपनी मैनेज कर ले? देखिए इसमें मैनेज करने वाली कोई बात ही नहीं है, मेरे सामने ऐसे मुकदमे मामलों की पूरी फहरिस्त है जिसमें अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा केस फाइल किया, बहुत बढ़िया चार्जशीट लगाई, और करीम लाला हाजी मस्तान के वक्त से लेकर के और आज तक 2017 तक ऐसे मुकदमों की संख्या सैकड़ों में है जिसमें बाकायदा सबूत पेश किए, बाकायदा चश्मदीद गवाह पेश किए, लेकिन कानून में जो कुछ छेद हैं उन छेदों का सहारा ले करके ये अंडरवर्ल्ड के लोग बच जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो गवाह होते हैं पुलिस के, उन्हें इस तरीके से धमकाया और टेरराइज किया जाता है धीरे 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 कि वो अदालत में आना ही नहीं चाहते। उन्हें अपनी जान की फिक्र है, उन्हें अपने परिवार की जान की फिक्र है, काम धंधे की चिंता है। कुछ लोग जो है वो धन के लोभ में बिक जाते हैं, कुछ लोग जो है वो भय से बिक जाते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि अदालत में मामला जो है वो खड़ा ही नहीं हो पाता, और अंततः ये जो डॉन्स हैं या गिरोहबाज हैं या सुपारीबाज हैं वो बरी हो जाते हैं। कई मुकदमों में ये भी देखा है कि मारने वाले शूटर जो हैं उनको देश के बाहर या राज्य के बाहर कहीं स्थापित कर दिया जाता है, और उनके बदले में डमी आरोपी पेश कर दिए जाते हैं जिनके बाद में ये एलिबाई या ये सबूत पेश कर दिया जाता है कि ये आरोपी तो फलानी जगह मौजूद था जब ये। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है विवेक जी कि आप बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप धमकी दे दें, अपना टेरर बता दें, लेकिन होता वही है जो डॉन चाहता है, और डॉन को पकड़ना फिलहाल बहुत मुश्किल हो गया है। हमसे जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विवेक अग्रवाल जी ने उदाहरण दिया है कि दाऊद जिंदा है या मरा है, उसके पीछे एक तर्क है, एक इनकी सोच है कि अगर उसके इलाके में जाकर आप देखते हैं और सब कुछ सामान्य है तो बस यही समझिए कि दाऊद जिंदा है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।